हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कल बार तो हमने आपको सिखाया कि कैसे हम डेटा एक्सेस करते हैं अपने कंट्रोल से। अब हम किसी बात पर सिखाएंगे कि कैसे हम पोस्ट करेंगे डेटा आपके एप्लीकेशन पर विदाउट प्रोसेस के हमारे डेटा स्टोर हो जाए डेटाबेस में विद जेक्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम जेक्वेरी यूज करेंगे तो हम इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। जेक्वेरी हमें इंक्लूड करानी पड़ती है, ये मेन डॉट जी एस, क्वेरी डॉट मेन डॉट जी एस। विदाउट इसके हम कभी भी कोई भी जेक्वेरी यूज नहीं कर सकते। हमने क्या किया कि जब हम जेक्वेरी को जेक्वेरी के थ्रू डेटा पोस्ट करते हैं तो एक हमें फंक्शन चाहिए, एक हमें पेज चाहिए पीएचपी का जिसमें हम अपना कोड लिख सकें, इंसर्ट कराने या डिलीट एनीथिंग। हमने क्या एक पेज बनाया सेव डॉट पीएचपी, सेव डॉट पीएचपी। ये इसमें क्या करा हमने, सेव डॉट पीएचपी हमने किया दो यूजर एंड पासवर्ड हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं जेक्वेरी में एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। यूजर नेम, यूजर एंड पासवर्ड टू एज ए रेफरेंस पोस्ट नेम पोस्ट फॉर्म। हमें सेव डॉट पी एच पी दिलाते हैं एक पेज बनाया, इसमें इंक्लूड ट्राई कर सकते हैं पी एच पी फाइल जो हमारी ये थी हमने पहले बना सकते थे पहले अभी। एंड जब भी हम डेटा देते हैं जेक्वेरी से पोस्ट करते हैं देखते हैं जो हमने पोस्ट करते टाइम ये पोस्ट में या पोस्ट पास ये हमने यहाँ पास करते हैं पोस्ट में पोस्ट पास हमने क्या पोस्ट में तो यूजर नेम आएगा हमारे पास क्वेरी लिखी इंसर्ट इनटू टेस्ट हमारा टेस्ट जो था डेटाबेस टेस्ट मैं तीन कॉलम है पासवर्ड एंड जीमेल आईडी ठीक है सर यूजर नेम जो हमें यह आया हमारे पास पासवर्ड ये क्वेरी चला दी। अगर सक्सेसफुली सेव होगा तो ये मैसेज सेव होगा एरर देते हैं। यहाँ हमारा जो डेटा में आता है या इको ये जो भी हम इको करेंगे यहाँ डेटा में आता या हम वहाँ से ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमें डेटा टेबल से लेना था फैच कराना है तो हम यहाँ इको करा देते हैं डेटा और यहाँ हमारे जेक्वेरी के थ्रू वो डेटा आ जाता है। विदाउट पेज रेफरेंस हम डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं जेक्वेरी के थ्रू। हम टेस्ट करते हैं इसका, ये हमारा पेज नाम डाला बिल्कुल यहाँ पासवर्ड डेटा बेस चेक करते हैं हमारे पेज यानी हुआ पहले हो रही है शुक्रिया थैंक यू सब्सक्राइब।